दीपक भौमिक और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है व्हाट इज कैमरा। आज हम कैमरा के बारे में जानेंगे। पिछले दिनों हम किस तरह के कैमरा यूज करते थे, अभी कितने टाइप के कैमरा होता है, और मेनली हम लोग आज DSLR के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज कैमरा। कैमरा वर्ड आया है ग्रीक वर्ड कैमरा से। हम अभी जो कैमरा यूज करते हैं वो कैमरा ऑब्स्क्यूरा का शॉर्ट वर्जन है। पहले 17th सेंचुरी में ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा यूज किया जाता था। कैमरा ऑब्स्क्यूरा एक लाइट प्रूफ टेंट था और इसमें एक लेंस फिट रहता था और इसके अंदर पेंटर व्हाइट शीट के ऊपर लेंस से आने वाले इमेज को पेंसिल से ट्रेस करता था। इस तरह कैमरा भी एक लाइट टाइट बॉक्स है जिसमें एक साइड पे लेंस और लेंस की ऑपोजिट साइड पे सेंसिटिव मटेरियल रहता है ऑप्टिकल इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए। कैमरा में लाइट कितने टाइम तक आएगा इसके कंट्रोल के लिए एक शटर रहता है, और कैमरा में कितने अमाउंट के लाइट आएगा इसके लिए कैमरा की लेंस में एपर्चर सिस्टम रहता है। इसके साथ साथ सब्जेक्ट फोकस करने के लिए लेंस में फोकसिंग सिस्टम भी रहता है, और इमेज फ्रेम देखने के लिए सब्जेक्ट फोकस करने के लिए एक व्यू फाइंडर रहता है। अब हम बताएंगे कितने तरह की कैमरा अब तक प्रोड्यूस हुआ है। इनमें से कुछ कैमरा जनरल एप्लीकेशन के लिए और कुछ कैमरा स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। अब हम जानते हैं जनरल पर्पस कैमरा कितने सारे हैं। इनमें से जो जो कैमरा है वो है सिंपल कैमरास, कॉम्पैक्ट कैमरास, रेंज फाइंडर कैमरास, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरास, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास एंड टेक्निकल कैमरास। अब हम आते हैं स्पेशल पर्पस कैमरा में कितने सारे कैमरा है। स्पेशल पर्पस कैमरा में एरियल कैमरास, अंडरवाटर कैमरास, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास, पैनोरामिक कैमरास। इन सभी कैमरा में से हम सिर्फ DSLR की बात करेंगे। DSLR का फुल फॉर्म है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। इस कैमरा में एक ही लेंस वन टाइम पे यूज किया जाता है। लेंस के अंदर लाइट अमाउंट बढ़ाने और कम करने के लिए एपर्चर होता है, और इस एपर्चर की कंट्रोल कैमरा की बॉडी से होता है। पहले SLR में ये कंट्रोल लेंस की बॉडी से होता था। इसके बाद कैमरा की बॉडी में शटर होता है जो लाइट के टाइम ड्यूरेशन कंट्रोल करते हैं। DSLR कैमरा में फोकल प्लेन शटर यूज होता है। कैमरा के अंदर एक 45 डिग्री एंगल पे मिरर होता है जिसमें लेंस से आने वाला लाइट मिरर पे होके व्यू फाइंडर से हम लोग देख पाते हैं। कैमरे की शटर रिलीज होने के बाद 45 डिग्री एंगल मिरर ऊपर उठ जाते हैं और शटर ओपन होता है और पीछे रहने वाला सेंसर को एक्सपोज करता है, और फिर से शटर बंद हो जाता है और मिरर भी पहले जगह में आ जाते हैं। आफ्टर शटर रिलीज ये मिरर ऊपर उठ जाने की वजह से हम लोग कुछ टाइम के लिए व्यू फाइंडर से देख नहीं पाते हैं। जब मिरर फिर से अपने जगह में आ जाती है तब हम फिर से व्यू फाइंडर से देखने लग जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो व्हाट इज कैमरा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।